जर्मनी में ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सल टिकट सिस्टम है जर्मनी के अंदर। यहाँ पे एक कंपनी है बेफाउगे, जिसको BVG बोलते हैं इंग्लिश में, और उसके अंडर सारे ट्रांसपोर्टेशन आते हैं पूरे जर्मनी के। उसी में U-Bahn आती है, उसी में S-Bahn आती है, उसी में ट्रैम आती है, उसी में बस आती है। तो चलो फ्रेंड्स, U-Bahn का टूर करते हैं। U-Bahn स्टेशन है, ये प्लेटफॉर्म है। मैं आपको थोड़ा टिकट के बारे में बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिससे आप टिकट ले सकते हैं। तो मैं दिखा दें, आइए। गाइस, ये एक मशीन होती है जिससे कि आप एक टिकट होता है 2 यूरो 80 सेंट का। आप अगर आप वो लेते हैं तो वो आपका कुछ आर्ली बेस्ड होता है, और अगर आप चाहते हैं कि डे टैग लें, यानी आप सुबह से और 24 आवर्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको टिकट लें, तो आपको 7 यूरो का वो टिकट पड़ेगा। इसी तरह से मैं आपको और ऑप्शन दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 4 ट्रिप होती हैं, मतलब 4 ट्रिप होती हैं कि जिसमें आप यहाँ पे ऐसे होता है कि आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप वापस नहीं आते उस डायरेक्शन से, वो टिकट आपका इनवैलिड होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार जाएं और फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी आएँ, तो अगर आप ऐसा टिकट लेते हैं जिसको 4 ट्रिप टिकट कहते हैं, वो 9 यूरो का होता है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे बर्लिन को जोन में डिवाइड किया गया, बर्लिन A, B और C जोन में, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे काम, आप ट्रैवल जो करेंगे सिर्फ ए और बी जोन में, तो आप स्पेशल उसके लिए टिकट भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपको सी जोन में भी जाना है, तो आप A, B और C जोन का भी टिकट ले सकते हैं। उसके अलावा मंथली टिकट भी होता है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि लेट्स सपोज आप बर्लिन आए या आप जर्मनी की किसी भी सिटी में आए हैं, और आप चाहते हैं कि आप 15 दिन स्टे करने वाले हैं, तो आपको जो 15 दिन का आप रोज़ टिकट लेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो बेटर है कि आप मंथली पास ले लें, जो कि होता है 81 यूरो का। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग स्टे करना है जर्मनी में, तो आप अपना अकाउंट कनेक्ट कर दें, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें BVG के साथ में, और फिर आपको वो प्राइस कम पड़ जाता है। तो बता देता हूँ कि जब आप कोई टिकट लेते हैं तो वो एक सिंपल टिकट निकलता है जिस पे लिखा हुआ होता है कि इसकी कॉस्ट इतनी है और ये इस काम के लिए। लेकिन वो वैलिड कब होता है? वो वैलिड होता है जब आप उसको इस मशीन के साथ स्टैम्प करें, और आप एक जब मशीन में आप उसको स्टैम्प करेंगे तो उस दिन की डेट उस पर स्टैम्प हो जाती है, तब वो जाके टिकट वैलिड होता है। मतलब अगर आपने टिकट, आप चाहें तो पूरे महीने के टिकट लेके रख सकते हैं, बट वो आप जब जब भी आपको ट्रैवल करना होगा, आपको उसमें डेट स्टैम्प करनी होगी। तो फ्रेंड, ये U-Bahn का इंटरनल व्यू है, और आपको अगर एग्जिट करना होता है, आपको बटन प्रेस करना होता है और एग्जिट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक U-Bahn का स्टेशन दिखाया। दूसरा U-Bahn का स्टेशन आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है, और आप इंटीरियर देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत स्टेशन होते हैं यहाँ के। और ये हमारे पीछे आ गई है U-Bahn। रास्ता पे हैं, और ये एक U-Bahn है, और ये जो भाई बैठे हुए हैं ये इमरान भाई हैं। ये आए थे हमारे साथ, लेकिन ये अपने मोबाइल में बिजी हैं कुछ करने में। आप देख सकते हैं, ये आपको हेलो कर रहे हैं। ये U-Bahn आ गई है। सो फ्रेंड्स, हम
हम उबान में जाएंगे कुछ थोड़े से उबान के अंदर का है और मैं आपको बताता हूँ उबान में आप साइकिल भी ला सकते हैं और आप पैड भी ला सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस हमारे कंपार्टमेंट में कोई साइकिल या कोई पैड नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा था कि साइकिल और पैड भी आते हैं, उनका टिकट होते हैं अलग से। सो अभी हम चल रहे हैं आगे की साइड पर, फिर आगे आपको मैं। सो फ्रेंड्स अभी हम गेजुनबुन पे हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेशन का व्यू, दिखा देता हूँ आपको अंदर से किस तरीके का स्टेशन है। अच्छा अरे हमें एग्ज़िट करना है यहाँ से, ये स्टेशन है उबान का स्टेशन है फ्रेंड्स ये, और इसी के ऊपर एक एसबान का स्टेशन भी लगता है जो कि काफ़ी बड़ा है, सेंटर स्टेशन है। जैसे दिल्ली मेट्रो है उसमें ये होता है कि आप विदाउट टिकट आप एंटर नहीं कर सकते स्टेशन में, प्लेटफॉर्म पे आप नहीं जा सकते। बर्लिन के किसी भी स्टेशन में उबान हो, एसबान हो, ट्रैम हो, आप प्लेटफॉर्म पे जाने का कोई आपको पहले टिकट नहीं लेना होता। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप प्लेटफॉर्म पे आते हो आप देख सकते हैं जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है तो आप सीधे आ सकते हो यहाँ पे, और साइकिल भी अलाउ होती है और अभी हम आ गए हैं एसबान पे। मैंने आपको उबान के बारे में बताया, उबान के बारे में मैंने आपको दिखाया, ये है एसबान। सो फ्रेंड्स एसबान जो है वो सिर्फ ज़मीन के ऊपर चलती है, उबान ज़मीन के अंदर चलती है। बेसिकली जो एसबान का जो टिकट होता है यहाँ पे वही टिकट आपका सब जगह काम करता है, ठीक है। तो जो आपने एक बार टिकट ले लिया, आपने टिकट अगर उबान से लिया तो वो आपका एसबान में भी काम करता है। Ringbahn, Ringbahn, Wedding, Gesundbrunnen.